इतनी रात को कौन आया? केरा, प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार प्लीज। केरा, प्लीज। केरा, केरा। सुनिए प्लीज। केरा, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केरा को छुपाने की? वो मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। आप मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं बोलोगी तुम, कुछ नहीं। क्योंकि तुम जो बोलोगी ना झूठी बोलोगी। झूठी तो बोलती आई हो अब तक, और मैंने तुम्हारे हर झूठ को सच माना, लेकिन अब नहीं। बस इसलिए आप कुछ मत बोलो, इशारे से बताओ कि यार कहाँ है, मैं बचा कर उसे ले लूंगा। देखिए आप इस वक्त बहुत गुस्से में, आप गुस्से में नहीं हूँ। गुस्से में होता ना तो पूछता नहीं सीधे। बताए कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। जितना तुम भगवान को मानती थी ना उतना मैं तुम्हें मानता था, और तुमने मेरी सख्ती सब कुछ करना चाहिए था पर ये नहीं। हर बार मैं आकर तुमसे कहता था ना कि एरा मुझसे कितना प्यार करती है। वो मुझे सुपरमैन बुलाती है, फेक डैड बुलाती है। बाप बनने की फीलिंग्स क्या होती है ना, सबसे पहले मैंने आकर तुम्हें बताई थी क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझे ही समझोगी, मेरी खुशी में खुश होगी। लेकिन मैं बोलता गया यार, मैं बार बार बोलता गया, तुम चुप की चुप ही रही। एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला क्या कि आकर मुझे बता दे कि जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूं वो एक्चुअली मेरी बेटी है। मन नहीं किया तुम्हारा बताने का क्या? पता है बहुत दुख देखे हैं मैंने, लेकिन यह तकलीफ सह नहीं पाऊंगा मैं। तुमने कितनी बार मेरा दिल दुखाया है, लेकिन इस बार तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया है। क्या मांगा था मैंने तुमसे, क्या मांगा था? दो ही तो चीजें मांगी थी ना, एक तुम्हारी जैसी बेटी और प्यार। बेटी तो दूर की बात, तुम तो मुझसे प्यार देने करती हो। ये सच नहीं है। मैं जानता था, पता है मैं जानता था, मैं देखता था, फिर भी बार बार मैं तुमसे पूछता था कि क्या तुम मुझे प्यार करती हो, क्या तुम मुझे चाहती हो। क्योंकि मैं अपनी कानों से सुनना चाहता था कि तुम मुझे प्यार करती हो, और अपनी आंखों से तुम्हारा दिया हुआ धोखा भी नहीं देख पाया मैं ना। आप जो सोच रहे हो सच नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं जो तुम बोल रही हो वो सच है। तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार तो दूर की बात है, तुम मेरी केयर करती हो, तो फिर क्यों तुमने मुझे नहीं बताया कि केयर मेरी बेटी है? क्यों? क्या मेरा उस पर कोई हक नहीं था? क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती थी? बोलो ना, किसी ने तुमसे कहा ये सब करने के लिए? किंग ने कुछ बोला? नहीं, वो बहुत अच्छी है। अरे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, नहीं जाना मुझे वो अच्छे या बुरे है, क्या है। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि एरा मेरी बेटी है? क्यों? बता देती तो क्या होता, क्यारा को उसके पापा और आपको आपकी बेटी मिल जाती, लेकिन कब तक? आपको नजर नहीं आता, लेकिन हमें हर वक्त नजर आता कि आप तनु के साथ होते हैं। तनु नजर आती है आपके साथ हर वक्त,
आपकी और आपके अपनों की खुशियों के खिलाफ। आप कियारा को अपने साथ उस घर में ले जाएंगे, वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। मैं जब उसकी नफरत से नहीं बच पाई, अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगी? सिर्फ तनु की वजह से मैंने आपकी बेटी को आपसे दूर रखा। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तनु का बहाना दोगी तो मुझसे बचाओगी तुम? झूठ सच जो भी बोल रही हूँ ना, मैं अपनी बेटी को खतरे से बचाने के लिए बोल रही हूँ। कियारा मेरी भी बेटी है। अभिषेक प्रेम मेरा की बेटी। तुम्हें लगता है कि मैं उसे किसी भी तकलीफ या किसी भी मुसीबत से नहीं बचा सकता? वो मेरी बेटी। हम दोनों उस घर में नहीं जाएंगे। किसने कहा तुम आने वाली हो? तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं मैं। अपनी बेटी कियारा को अपने साथ घर ले जाऊंगा। मैंने कहा ना, वो मेरी बेटी है, मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी, उसे कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं मैं। और अब मैं भी उसके बिना नहीं रहने वाला। तुम अपने घर में रहो, कियारा अपने घर में रहेगी, अपने पापा के साथ। देखिए प्लीज प्लीज, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज उसे सात साल मैंने अपनी बेटी के बिना जिया है। क्या कहा तुमने? तुम मेरी फीलिंग समझती हो? तो मेरी फीलिंग सब तब समझोगी जब ये सब तुम पर गुजरेगा। सात साल मैं अपनी बेटी के बिना था ना। जिंदगी भर तुम अपनी बेटी के बिना जियोगी। रोक सकती हो तो रोक लो। कहाँ है कियारा? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। बताओ कियारा कहाँ है? कियारा सुनिए मेरी बात, सुनिए प्लीज। डाटा नहीं 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 प्लीज प्लीज, आप कियारा को ऐसे नहीं ले जा सकते। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आप, तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज प्लीज मेरे पास से हट जाओ। मैं क्या प्लीज प्लीज कियारा 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 क्या हुआ मामा, अब चिल्ला क्यों रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी बेटी हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपकी बेटी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। सॉरी सॉरी मम्मा, ने शायद कोई बुरा सपना देखा, अब सो जाओ। हाँ सॉरी बेटा, सो जा। कियारा मेरी बेटी है और इस पर मुझसे ज्यादा किसी का भी हक नहीं है। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारे पापा भी नहीं। जो सच मैंने आपसे 7 साल छुपाए रखा, वो जिंदगी भर छुपा कर रखूंगी। मैं आपसे आपकी खुशी नहीं छीनना चाहती, बस कियारा को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। आलिया और तनु कियारा से आपका रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पाए, और आपका आपकी बेटी से रिश्ता कियारा के लिए मुसीबत बन जाएगा। मुझे पहले लगा था कि आपसे ये सच छुपाकर मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, अब इसे मेरी ममता समझिए या मजबूरी। मैं कियारा को उसके पापा के घर नहीं जाने दे सकती। हेलो,
हाँ दीप, आपको पता है रीजू कहाँ है या आपके घर आए थे वो? नहीं दिशा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली जीजू अब तक घर नहीं आए ना, तो मुझे लगा शायद आपको पता होगा या उधर आए होंगे, तो इसलिए फोन किया था आपको। नहीं मुझे नहीं पता कुछ। दीप आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ दिशा। तुमने अपने जीजू को कियारा के बारे में कुछ बताया तो नहीं है ना? मैं आपसे झगड़ा कर सकती हूँ, नाराज नहीं रह सकती आपसे। आप जब तक नहीं कहेंगी ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा सुनो, उनसे बात हो या वो घर आ जाए तो मुझे फोन कर देना। ऑफ कोर्स दी, मैं जानती हूँ जब तक जीजू घर नहीं आएंगे ना, आप भी नहीं सोएंगी। चलिए मैं रखती हूँ, बाय। थैंक्स। ये इतनी रात को कहाँ चले गए? अरे कोई अभी को फोन तो करो। उसका फोन ही नहीं लग रहा है, पहले नॉट रीचेबल जा रहा था और अब स्विच ऑफ आ रहा है। उसने बोला नहीं, लेकिन वो कियारा के लिए परेशान है, एक फोन तो कर देना चाहिए था। आप ही ने उसे भेजा था ना? बहुत फिक्र थी उस कियारा की कि उसे क्या हो जाएगा क्या नहीं। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है इतना टेंशन लेने की? आई मीन क्या लगती है हमारी? हाँ पूरब जी, तनु ये जानती है कि कियारा जीजू और प्रज्ञा दी की बेटी है। उसने मुझसे खुद कहा कि कियारा की वजह से वो कभी भी प्रज्ञा दी और जीजू को एक नहीं होने दी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो हमारी क्या लगती, तो तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। इन दोनों की ईगो क्लैश में कहीं कियारा का सच सबके सामने ना आ जाए। भाई को तो कोई आइडिया नहीं है कि कियारा उनकी बेटी है, लेकिन पूरे परिवार को जरूर पता चल जाएगा इन दोनों की वजह से। जीजू प्रज्ञा दी के घर पे भी नहीं है, उनसे पूछा तो उन्हें भी नहीं पता वो कहाँ गए। चलो ये तो क्लियर हो गया कि भाई को कियारा के बारे में नहीं पता चला, पता होता तो वो प्रज्ञा को यहाँ ले आते। मैं क्या पूछ रही थी मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? मिताली तू कभी भी कुछ भी पूछती है, अरे घर का माहौल तो देखो। माहौल तो मुझे पता है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमारे भूखे पेट रहने से तबीयत ठीक तो नहीं हो जाएगी ना। मैंने कहा था कि अभी को मत जाने दो, लेकिन नहीं, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अगर मुझे सपोर्ट करते ना तो अभी यहाँ पे होता है, लेकिन सबने स्वर्णी दासी की साइड ली। हाँ मैं हाँ मिलाई उनकी। मैं बता रही हूँ, अगर अभी को कुछ भी हुआ ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो हमारा बच्चा है और तू हमें ये मत दिखा कि हमसे ज्यादा तुझे उसकी फिक्र है। और इसके बाद अगर तूने दीदी पे एक भी इल्जाम लगाया ना, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं उसी पे इल्जाम लगाती हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, प्रज्ञा। तनु फिजूल में प्रज्ञा दी को इसमें मत घसीटो। मैं घसीटूंगी, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। जब से अभी की लाइफ में वापस आई है, अभी का बैड लक शुरू हो गया है। ये क्या बकवास की जा रही है? क्या बात अभी की चल रही है, तुम प्रज्ञा जी को बीच में क्यों ला रही हो? मैं लाऊंगी, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। ये लोग कितना लड़ रहे हैं, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त आलिया और तनु की पोल पट्टी सबके सामने खोल दूं और इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकलवा दूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस रास का मैं पूरा फायदा उठाऊंगी और सही वक्त आने पर इन दोनों को मैं ही घर से बाहर निकालूंगी। मनुज कहीं की सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इसके बाद तूने अगर प्रज्ञा के लिए एक भी शब्द बोला ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रख। ठीक है, नहीं बोलूंगी उसके बारे में, लेकिन ये तो कह सकती हूँ कि हेलो व्हाट क्या हुआ पूरब जी, क्या बात हो गई बताइए ना। अभी वो जीजू क्या हो गया? क्या किस भाई को क्या हुआ? तुम चुप करके, किसका फोन था? मुझे अभी की फिकर हो रही थी तो मैंने पुलिस में अपने एक फ्रेंड को फोन करके सारी डिटेल्स बता दी, और उसने भी पास के पुलिस स्टेशन में सबको डिटेल्स भेज दी। और अब क्या पूरा? अभी मिल गया। ओह थैंक गॉड। लेकिन नशे की हालत में बेहोश, सिग्नल के पास, और पुलिस ने फैमिली में से किसी को बुलाया। आप सब लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा जीजू को, हम जाएंगे ना उन्हें, मैं और पूरब जी जाके चेक करेंगे, कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे।
कुछ नहीं हो सकता उन्हें। तब जबकि लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है उन्हें, कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। चलिए पूरब जी, अब चलिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फोन क्यों स्विच ऑफ है? चार्ज खत्म हो गया। गाड़ी में चार्जर चार्ज नहीं कर सकते क्या? ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। केयरलेस हो जाते हैं जब अकेले रहते हैं तो। बेवजह सबको परेशान कर रहे हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं, वो ठीक होंगे, घर आ गए होंगे। दिशा मुझे बताना भूल गई, दिशा को फोन कर लेती हूँ। एक्चुअली दी, पुलिस ने हमें बुलाया है। उन्हें कोई आदमी बेहोश पड़ा मिला तो वो क्या हुआ? तुम लोगों ने देखा? नहीं, इसीलिए उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। साथ साथ में ये भी बोल दो दीक्षा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो अभी को स्ट्रेस नहीं देती ना, तो अभी की ये हालत नहीं होती। तनु अभी क्लियर नहीं हुआ है ना? हाँ, तो कुछ होने का वेट करूं? अभी अगर कुछ हो गया तो उसके घर जाके सुनाऊं? यू नो व्हाट, लिसन प्रज्ञा, अगर मेरे अभी को कुछ भी हुआ ना, तो तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इनफ तनु, कोई कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अरे वो बात कर रही है, बात तो करनी तो कम से कम। तो तुम्हारे लिए प्रज्ञा से बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी को ढूंढना नहीं। और अगर ऐसी बात नहीं पूरा तो घर पर दिखावा क्यों कर रहे थे कि तुम्हें अभी की चिंता है? तनु जस्ट शराब या प्रज्ञा बाद में बात करती है, अभी हम भाई को लेकर बहुत टेंशन। लेकिन वो बिल्कुल ही बात, ये लो। क्यारा, मम्मा आपके पापा को ढूंढने जा रही होगी। कमाल है यार तुम सब लोगों की, यू गाइस आर लाइक अनबिलीवेबल यार। वहां भाई पता नहीं किस हालत में होंगे। वो कौन आदमी होगा? भाई होंगे, भाई कहां पर होंगे? और तुम लोग फालतू की चीजों में यहां पर बातें कर रहे हो। और दिशा, तुम क्या जरूरत है तुम्हें फोन उठाने की इस वक्त? क्यों नहीं उठाती? दी का हक बनता है जीजू के बारे में पता चलने का। तनु से तो कहीं ज्यादा हक है उनका। दिशा, तुम फिर से तनु, फॉर गॉड सेक काम डाउन। तुम मुझे क्यों बोल रही है? ऐसे भी तो पूरा, प्लीज थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाओ प्लीज। कुछ नहीं होगा उन्हें, जबकि लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है उन्हें, कुछ नहीं हो सकता। ये दिशा क्या कह रही थी? बहुत बड़ी खुशी? दिशा, तुम क्या बोल रही थी? तुम कुछ बोल रही थी कि अभी को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। कौन सी खुशी? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया था मैंने, कुछ मतलब नहीं है उसका। तुम जानती हो दिशा, जब तुम सच बोलती हो ना, तो तुम्हारी जुबान कैची की तरह चलती है, लेकिन जैसे ही तुम झूठ बोलती हो ना, तुम उतना ही ज्यादा स्लो बोलने लगती हो। कुछ भी ऐसे ही तो नहीं बोल दिया होगा ना, कुछ तो मतलब था उसका। हाँ, वो जीजू परेशान थे कियारा को लेकर, तो वो सही सलामत घर पहुंच गई है, तो ये सुनकर तो वो बहुत खुश होते ना, उसी खुशी की बात करी थी मैं। मुझे पता ही था ये झूठ ही बोलेगी, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। बाय। ओ
अभी सौतन का भी सहेली वाला खेल खेला जा रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस घर में मैं तभी रूल कर पाऊंगी जब मैं इस घर में प्यार पनपने ही ना दूं। और मेरे इस खेल में आलिया मेरी स्ट्रेंथ है, और मैं अपनी स्ट्रेंथ को किसी और को लेने नहीं दूंगी। आई जस्ट होप पुलिस को कोई और मिला और अभी ठीक हो। हे भगवान, जिसे देखने जा रहे हैं वो जीजू ना, और वो जहां भी हो बिल्कुल ठीक हो। भगवान, आपने कियारा प्रज्ञा दी और जीजू को आपस में मिला तो दिया है, पर अब भी उनकी फैमिली बनना बाकी है। अब सब आपके ही हाथ में है।